नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि जैसे स्टेथोस्कोप का ईयरबड अगर निकल जाए या ढीला हो जाए तो उसको कैसे फिक्स करना है। तो हमारे पास ये रोसमैक्स का ईवी कार्डियोलॉजी 600 स्टेथोस्कोप है। इसका जो ईयरबड है इसमें आप देख सकते हैं ये थ्रेड है, जहाँ ईयरबड कसता है ये यहाँ पे थ्रेड है और ये इसका ईयरबड है। इसमें भी अगर आप देख पा रहे होंगे ये अंदर इसमें भी थ्रेड है। तो ये जैसे हम इसको कस रहे हैं ये थोड़ा सा ये ढीला है तो ये बार बार निकल जाता है। तो उसको हम कैसे फिक्स करेंगे आज के इस वीडियो में देखें, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इसको टाइट करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे, ये मेडिकल टेप है, पेपर टेप 1/2 इंची। अब हम क्या करेंगे, ये जो थ्रेड है इसमें ये जो टेप है 1/2 इंची मेडिकल टेप है पेपर टेप, इसको 2 राउंड लपेटेंगे। 2 राउंड ही लपेटना, 2 राउंड से ज़्यादा लपेटने में वो मोटा हो जाएगा, कसेगा नहीं। पर ये एक, ये दो, हमने 2 राउंड लपेटा। अब ये जो पफ है ईयरबड है इसको थोड़ा सा फंसा लेंगे, सीधा सीधा कसना है इसको, टेढ़ा नहीं कसना नहीं थ्रेड ख़राब हो जाएंगे। थोड़ा सा फंसा के इसके पफ को बाहर खींच लेना है थ्रेड से। ये थ्रेड है और पफ ये हमने निकाल लिया है। ये थ्रेड देखिए अभी थोड़ा तिरछा दिख रहा है, इसको सीधा कसना है, अभी भी टेढ़ा है। अब देखिए सीधा कस रहा है। अब हमें एक प्लास का यूज़ करना है, इसको धीरे धीरे कस देना है। ये अच्छा टाइट हो गया है, तो थ्रेड हमारा टाइट हो गया है। अब ये जो पफ है पफ इसको हम सीधा अंदर फंसा देंगे। तो आप देख सकते हैं दूसरे में भी हमने ऐसे ही कर दिया है, ये दोनों पफ अच्छे टाइट हो गए हैं, ये अब नहीं निकलेंगे। तो इसमें हमने एक प्लास और 1/2 इंच पेपर टेप की मदद से रोसमैक्स का EB600 कार्डियोलॉजी जो स्टेथोस्कोप है के ईयरबड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि ऐसे और भी वीडियोस आपको तुरंत मिलते रहें।